फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होता है, ये बात हमारा आज का यूथ बखूबी समझता है। आज योर मनी पर हमारा फोकस होगा, पहली बार निवेश करने वाले यूथ पर। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। निवेश का पहला कदम, कहां से करें निवेश की शुरुआत? अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कहां करें निवेश? और जोखिम कम करने के लिए पोर्टफोलियो को कैसे करें डाइवर्सिफाई? और योर मनी में आज हम कर रहे हैं यूथ स्पेशल, जहां पर हम पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों को देंगे रोड मैप। और इस सिलसिले में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं खास केस स्टडी आदित्य, हमारे साथ आदित्य सिंह जुड़े हुए हैं हमारे शो पर आज लखनऊ से। आदित्य, मुझे बताइए अपने बारे में कुछ, आप क्या करते हैं और योर मनी के जरिए आपको किस तरह का फाइनेंशियल प्लान चाहिए? मैं BBA का स्टूडेंट हूँ और मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो कि आई थिंक 10 ईयर का मैंने प्लान रखा है। तो मुझे इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा करना है जब तक कि जब मैं वो बिजनेस एग्जीक्यूट करूँ तो तब तक मेरे पास उतना फंड जमा हो जाए, कलेक्ट हो जाए। मुझे बताइए आदित्य कि आप क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कितनी रकम आप इकट्ठा करना चाहते हैं? बिजनेस तो आई थिंक अभी तो काफी आइडियाज आते जाते रहते हैं, लेकिन जो मैं एक प्रॉपर फोकस है वो पेपर मिल पे है। पेपर मिल पर है, ओके। आपकी उम्र क्या है? अराउंड 19। वेरी नाइस, आप 19 साल के हैं और एक तरह का करियर रोड मैप आप तैयार करना चाहते हैं अपने लिए, जिसके जरिए जिसके लिए आपने जर्मनी को अप्रोच किया है। 10 साल में आपको पेपर मिल की शुरुआत करनी है। और आज हमारे साथ शो पे आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए अनिल चोपड़ा जुड़ चुके हैं हमारे आज के मेहमान। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में। हमारी लाइफ की स्टडी आदित्य सिंह है और मैं इनसे बात कर रही थी, 19 साल के हैं, BBA के स्टूडेंट है और 10 साल के बाद पेपर मिल की शुरुआत करना चाहते हैं। तो जर्मनी के जरिए अपने करियर की प्लानिंग ये कैसे करें, फाइनेंशियली कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करें, वो जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आदित्य, मुझे बताइए कि कोई खास इन्वेस्टेबल अमाउंट आपके हाथ में है अभी फिलहाल? नहीं, अभी तो कुछ खास फंड है नहीं, लेकिन टारगेट है तो उसको अचीव करना है जी। और अगर हम आपको निवेश करने के लिए आप कहें तो आप कितना निवेश कर पाएंगे हर महीना? आपको पॉकेट मनी मिलती है क्या, उसमें से आप कुछ निवेश कर पाएंगे? 10 साल का समय है, समय तो आपके पास काफी अच्छा है, लेकिन आपका टारगेट अचीव होगा या नहीं वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला ये कि आपको कितना फंड चाहिए, दूसरा आप निवेश कितना कर पाएंगे। अराउंड 25 लाख अगर अभी का बात किया जाए तो 25, और आफ्टर 10 इयर्स इट वाज इंक्रीज एट 55 लाख। द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, बात करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर आदित्य ने, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ट्रैक भी करते हैं इन्फ्लेशन को ध्यान में रखे। देखिए, इन्होंने अपना टारगेट बताया है हमें, जो फंड ये इकट्ठा करना चाहते हैं अभी के हिसाब से 25 लाख, लेकिन 10 साल के बाद 55 लाख रुपए लगभग इन्हें लग जाएंगे अपनी पेपर मिल की जो फैक्ट्री है उसकी शुरुआत करने में। क्या रोड मैप आप आदित्य को देंगे? देखिए, काफी अच्छी जागरूकता का एक अच्छी मिसाल है, एक अच्छा इन्होंने रोड मैप तय किया है अपने लिए, और अभी स्टूडेंट हैं, अभी से प्लानिंग कर रहे हैं तो ये एक काबिले तारीफ बात है। इनको पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि ये कितने साल अभी और पढ़ाई करेंगे, BBA करेंगे, उसके बाद क्या ये MBA करेंगे और फिर कहीं जॉब करेंगे और फिर ये जाके अपनी पेपर मिल लगाएंगे, क्या इनके प्लान्स हैं? आदित्य बताएं। एक्चुअली मैं प्लान अभी तो फिलहाल BBA है, तो BBA फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होने वाला है और सेकेंड थर्ड वॉज लेफ्टेड एंड आफ्टर द BBA आई परस्यू दैट MBA कोर्स विद डिस्टेंस प्लस जॉब। राइट, हाँ, तो देखिए, आपकी जो BBA है तकरीबन जाके 2019 या 20 में कंप्लीट होगी और उसके बाद आपके पास करीब 8 से 10 साल होंगे
अपनी रकम जोड़ने के लिए, जिससे कि आप अपनी पेपर मिल जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप बीबीए करने के बाद एक अच्छी जॉब पा लेंगे जिसमें आपके कम से कम 25-30 हज़ार महीने की आमदनी होगी और आप कम से कम 10 हज़ार रुपया महीने का जोड़ पाएंगे। अगर आप 10 हज़ार रुपये महीने का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए अच्छे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और जैसे जैसे आपके 1-2 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपकी सेविंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर आप उस सेविंग अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं, 10 हज़ार से बढ़ा के 12 या 15 कर देते हैं, तब डेफिनेटली जब तक आप 35 साल के होंगे या आपके 10-12 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप पेपर मिल या जो भी और कोई आपका सपना है बिजनेस स्टार्ट करने का उसको आप पूरा कर पाएंगे। और तब आपको चाहिए होगा कि एक आप उसका एक प्रोजेक्ट प्लान बनवाएं कि तब टोटल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी लैंड बिल्डिंग मशीनरी के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और जो पैसे आपने जोड़े हैं अगर उसमें कुछ कमी पड़ रही है तो आप उस वक्त बैंक से एक स्टार्टअप का लोन भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ पूंजी जमा कर रखी होगी 40-50 लाख रुपए की, तो आपको लोन मिलने में काफी आसानी होगी। बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पर आपने कहा कि ये जैसे ही नौकरी करना शुरू करते हैं तो 10 हज़ार रुपए का मिनिमम निवेश है जिसकी शुरुआत इन्हें करनी होगी, लेकिन आदित्य मुझे बताइए कि आप पॉकेट मनी से कुछ बचा सकते हैं ताकि हम आपकी निवेश की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत अभी से आप कैसे करें वो आपको बता दें। अराउंड 800 to 1000 अनिल जी, आई कैन एबल टू सेव। ठीक है, तो अनिल जी 800 से 1000 रुपए मेरे ख्याल से ये निवेश कर सकते हैं, तो जब इनको नौकरी मिलेगी तब अपने निवेश को ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर ये निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो किन फंड्स का नाम आप इन्हें बताएंगे? देखिए 1000 रुपए जो इनकी पहले निवेश होगी, इनको चाहिए कि लार्ज कैप फंड में शुरुआत करें, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल का टॉप 100 फंड है या फोकस ब्लू चिप फंड है, उन फंड से ये शुरुआत करें, SBI का ब्लू चिप फंड है उससे शुरुआत करें, और फिर जैसे ही इनकी कोर्स खत्म होता है और इनकी जॉब स्टार्ट होती है, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होती है और हम आशा करते हैं कि अच्छा करेंगे अपनी पढ़ाई में, इनको अच्छी जॉब मिलेगी, तब ये उसमें से 10-12 हज़ार रुपये जितना भी ये रकम जोड़ सकते हैं, जितनी अनुशासन के साथ ये लगातार उसमें जोड़ते चलेंगे तो अपना ये जो उनका ड्रीम है एक अपना बिजनेसमैन बनने का, एक एंटरप्रेन्योर बनने का, उसको जल्दी पूरा कर पाएंगे। आदित्य मैं आपको बता दूं, ICICI प्रू टॉप 100, SBI ब्लू चिप फंड, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ, ये आपको फंड्स रेकमेंड किए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी जितनी भी क्षमता हो, क्योंकि आप 19 साल के हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जितना बचा सकें आप निवेश कर सकें उतना निवेश कीजिए। आगे चल के जैसे ही आपकी जॉब लगेगी आपसे हम यही कहेंगे कि आप अपनी सैलरी में से मिनिमम 10,000 रुपीज, अगर आप अपने 55 लाख के गोल को अचीव करना चाहते हैं तो ये मिनिमम अमाउंट है जो आपको निवेश करना होगा, तब जाके आपका गोल आप अचीव कर पाएंगे। हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी कम से कम 10% निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप आदित्य? नहीं, मैं एक ये बात कहना चाहता हूं कि आजकल के यूथ में जो है अवेयरनेस नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कि अभी हम लोग के जो ये NDA गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में, तो इन्होंने स्टार्टअप प्लान तो ला दिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, उसको उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं बताया है, ना एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और फॉर एग्जांपल जो इंटरनेट यूज कर सकता है वही इस चीज को डीपली जान पाएगा, डीपली इस चीज को पता कर पाएगा, लेकिन जो नेट जो यूज ना कर पाए तो वो कैसे करे? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है आदित्य, इसीलिए CNBC आवाज पे हमारे पास इस तरह के शोज हैं जहां पर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं और जो बनना चाहते हैं वो तमाम इससे जुड़ी बारीकियां भी समझे। आवाज एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शो है जहां पर हम स्टार्टअप्स के से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उन्हें बताते हैं, एक गाइड मैप और एक रोड मैप उन्हें देते हैं, तो मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आपको उस शो के जरिए मिल जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योर मनी का हिस्सा बनने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एंटरप्रेन्योर बनने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। धन्यवाद आदित्य। इसी के साथ योर मनी में हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है नए निवेशकों के सवालों का ये सिलसिला, बने रहें।